दोस्तों, घर से निकलने के बाद हमारे वाहन के साथ कभी भी कोई भी जरा सी चूक होने पर हमारा ई चालान कैमरे के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या नो पार्किंग में खड़े होने पर कहीं भी अपने आसानी से कट जाता है। इस चालान को भरना बहुत ही आसान है। बिना चालान भरे आप इस वाहन को दोबारा ले जाने पर आपका DL ड्राइविंग लाइसेंस नष्ट हो सकता है या आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से चालान की पेनाल्टी से बचने के लिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे करके आप अपने घर बैठे ही अपना ई चालान आसानी से भर सकते हैं। यदि आप किसी से कोई सेकेंड हैंड वाहन खरीद रहे हैं और उस पर कोई चालान कटा हुआ है तो ये भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर उसका चालान कटा हुआ है तो उस गाड़ी को आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। तो इस तरह से हम अपनी गाड़ी का ये चालान कटा हुआ है या नहीं है इसको भी आसानी से चेक कर सकते हैं और इसको घर बैठे ही अपने ऑनलाइन लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से पे भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये प्रोसेस लाइव दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे वाहन का कोई भी चालान कटा है या नहीं कटा है ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर के माध्यम से यहाँ पर आपको लिखना है ई चालान। जैसे आप ई चालान लिखते हैं यहाँ पर हमारी पहली ही वेबसाइट हमारे सामने खुलकर आ जाती है, echalan.parivahan.gov.in। इस पहली ही वाली वेबसाइट पर हमको क्लिक कर लेना है। जैसे इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है और यहाँ पर हमको तीन ऑप्शन दे रखे हैं चालान डिटेल जानने के लिए। यहाँ पे चालान नंबर जो कि आपके पास आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको मिला होगा, या दूसरा ऑप्शन है हमारा व्हीकल नंबर जिसमें हम अपने गाड़ी के नंबर को डालकर और यहाँ पर उसके 5 लास्ट के अंक चेसिस नंबर या इंजन नंबर के डालकर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या हमारे DL नंबर पर हमारे साथ चालान कटा होगा तो यहाँ पर हम DL नंबर डालकर यहाँ पर अपना चालान पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आपके पास टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है तो आप यहाँ पर सीधे अपना चालान नंबर डालकर इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो आप व्हीकल नंबर डाल लें चाहे आप चालान नंबर डाल लें। मेरे पास यहाँ टेक्स्ट मैसेज में मेरे पास चालान नंबर उपलब्ध है तो मैं यहाँ पर आपको चालान नंबर डालकर दिखा देता हूँ जो कि 14 से 16 अंकों के आसपास होता है। ये हर जगह अलग अलग तरीके से निकल कर आता है। यहाँ पर मैं अपना चालान नंबर डाल देता हूँ जिसका कि मैसेज मेरे पास मेरे मोबाइल फ़ोन पर आया हुआ है। तो यहाँ पर सीधे कैप्चर कोड डालते हैं और यहाँ पर गेट डिटेल पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बायोलोकेटर नेम जिसने भी ये रूल को तोड़ा है वहाँ पर उसका नाम, DLRC नंबर या गाड़ी का नंबर जो भी हमारा वो लिख कर आ जाता है, यहाँ चालान नंबर, यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी, अभी आपने चालान अगर पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी नहीं आ रही होगी, स्टेट किस राज्य में कटा है आपका, किस डेट को चालान कटा है, किस समय पर चालान कटा है, कितने अमाउंट का है और यहाँ पर ये स्टेटस अभी इसका पेंडिंग है क्योंकि इसको अभी तक पे नहीं किया गया है। यहाँ पर आप चालान को प्रिंट भी कर सकते हैं कि वो किस धारा में किस लिए हमारे पास काटा गया है। तो यहाँ पर ये चालान आपकी गाड़ी का पूरा डिटेल यहाँ पर वायलेंस ऑफ नॉन पार्किंग रूल्स MB Act 1988 S 122, यहाँ पर ये वाहन जो है वो नॉन पार्किंग जगह में खड़ा हुआ था तो यहाँ पर इसका चालान ₹500 का कटा हुआ है। इस चालान को आप यहाँ पर आसानी से देख भी सकते हैं। यदि आप चालान को लगभग चालान कटने के अंदर 30 दिन के अंदर तक जमा नहीं करते हैं तो ये चालान फिर आपके नज़दीकी कोर्ट में जो भी आपका CGM कोर्ट है, जो भी कोर्ट है आपका, वहाँ पर ये चला जाता है। फिर आपको यहाँ पर जाकर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा किसी भी वकील या किसी के माध्यम से आप यहाँ पर इस चालान को भरेंगे तो यहाँ पर आपके साथ कोर्ट जुर्माना लगाएगा। लेकिन यदि आपको यहीं पर ऑनलाइन चालान प्रिंट करना है, पे करना है, तो आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं, सीधे सिंपली पे नाउ की। यहाँ पर आप किसी भी मोबाइल नंबर को डालकर यहाँ पर उस चालान को पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप सेंड OTP करते हैं एक आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त होता है और उस OTP को यहाँ पर आप फिल कर लेते हैं और सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट करते हैं हमारे सामने पेमेंट गेटवे खुलकर आ जाता है और UP राजकोष की वेबसाइट खुल जाती है। जैसे यहाँ पर हम रिडायरेक्ट ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना होता है और नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर पेमेंट को प्रोसीड विद नेट पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। पेमेंट पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस निकल कर आता है। यहाँ पर आप SBI नेट बैंकिंग के थ्रू SBI से
या आप अपना रुपए कार्ड से, अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूपीआई से, अदर बैंक का कोई डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। आपको नेट बैंकिंग से करना है तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लेना है, और बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी होगी, और आप कंटिन्यू करके यहाँ पर अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ से आप देखिए आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई, और यहाँ पर आप अपनी रिसीप्ट को जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका चालान पे हो जाता है। चालान को सक्सेसफुली भर लेने के बाद हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा चालान सक्सेसफुली कंप्लीट भर चुका है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको चालान नंबर डालकर दिखाया था, अब मैं यहाँ पर व्हीकल नंबर डालकर आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारी गाड़ी का चालान जमा हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर लास्ट के आपको चेचिस नंबर या इंजन नंबर के 5 अंक डालने होते हैं, तो मैं यहाँ पर चेचिस नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पर कैप्चर कोड आपको फिल करना है और गेट डिटेल पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखें हम कि हमारे पास जो चालान नंबर है उसका स्टेटस डिस्पोज लिख कर आ रहा है, यानी कि हम उसको कम्प्लीटली सक्सेसफुली जमा कर चुके हैं, और यहाँ पर आप उसकी रिसीप्ट को भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिसीप्ट आपके पास, अगर मान लो इनकेस उस समय आप जनरेट नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पर दोबारा उसको जनरेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी रिसीप्ट फिर से हमको पुनः मिल जाती है, और ये इस तरह से हम अपना घर बैठे ही अपना चालान सक्सेसफुली भर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।